50 ml की कप। हाँ, तो टी के लिए। हाँ, वो चाय वाली, वो बना चुका हूँ मैं। तो उसमें फिर रखने से गलने लगे? एकदम उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हमारे रक्सौल से हमारे मेहमान आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और इन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदी की एक लाइन है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं भगवान के समान होते हैं। और आइए, मेरी छोटी सी कुटिया कहिए इसको, या छोटा सा मेरा प्लांट कह सकते हैं, या जो भी आप इसको कह सकते हैं। आइए आइए, तौसीफ आ जाओ। ये मेरा आपका प्रोडक्ट हो गया, देखिए ये जो छैटी में जो रखा हुआ है, हाँ ये मेरा लगभग का फाइनल प्रोडक्ट है। ये देखिए आप, ये मेरा जो गुपचुप वाली जो कटोरी होती है वो खाने के लिए इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ये जो है बड़ी वाली मिठाई, या फिर जो भी कह लीजिए आप लोग, ये जो हो गया चौमी वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। सिंगल लिफ्ट का है या डबल लिफ्ट का? इसमें डबल लिफ्ट का, सिंगल भी यूज़ करते हैं, डबल भी करते हैं, वो हम बताते हैं, डिपेंड करता है क्वालिटी पे। आज अभी जो हम जो सिचुएशन हमने जो फील किया है, समाज में हर तरह के हर कैटेगरी के लोग हैं, तो मेरा जो अपना मानना है कि इसमें जो है ना वेरिएशन हम लाने वाले हैं। वेरिएशन मीन्स के मतलब जो सिंगल जो होगा, जो सिंगल लेयर होगा उसको सस्ते दामों पर हम बेच सकते हैं, जो डबल लेयर होगा उसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट हम ले सकते हैं। स्वीट्स वगैरह खाने के लिए है, डबल लीफ का। हाँ, डबल लीफ का। हाँ, लेकिन वाटर रेसिस्टेंस की पूरी गारंटी है। अब देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा जो है नमी आ जाती है, उसका जो कलर भी डिसकलर हो जाता है। जो फ्रेश आप यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा। उस तरह का फ्रेशनेस आप, ये एकदम फ्रेश है, अच्छा। और इसको फिर अभी प्यूरीफाई करेंगे तो और फ्रेश हो जाएगा। एक एक मकई का ये है, इसमें कितना पत्ता निकलेगा, कितना प्लेट निकलेगा ये? देखिए इस पर डिपेंड करता है कि कम से कम चार या पांच निकल जाएगा एक एक पे। हाँ, और भी इसी से आपने देखा भी होगा, हमने कोशिश, हाँ हाँ, ये साबुन, ये मैंने एक वे खोलने की कोशिश की है कि ये भी हो सकता है, मतलब पता नहीं कहाँ तक हम सही हैं, लेकिन एक मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल तो जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स कटोरी वगैरह, ये तो मतलब इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है फिलहाल अभी तक। तो बड़ी वाली थैली भी, एक पीस का कॉस्टिंग कितना आता है सर? कॉस्टिंग जो इस पे आ जाता है मेरा लगभग 30 पैसे के आसपास आ जाता है। कॉस्टिंग मेरा जो मेन है ना, लेबर कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाता है उसमें। हाँ, तो हाँ, क्योंकि हम तो जो गाड़ी लेकर के जाते हैं वो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उसके बाद सारी चीज़ें ही। और किसने भी कितना भी साल में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आप देख रहे हैं ना, जो वहाँ पे जो रखा हुआ है, वो 4-5 साल पुराना प्रोडक्ट, वो लीफ है। वो मतलब एट रेंडम हमने शुरू नहीं कर दिया है, हमने हमको जो लगा के हमको मतलब अब शुरू करना चाहिए, कि अब हम कॉन्फिडेंट हो गए कि अब जो है इसको मार्केट में हम ला सकते हैं, तब जो हमने शुरू किया है। हो जाने के बाद फिर तो यूज होगा कि नहीं होगा? इसका यूज़ होगा, इसका भी यूज़ होगा, है ना, इसको बेस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मान लीजिए ये पानी के प्रभाव से इसका कलर डिसकलर हो जाता है। देखिए कोई भी नेचुरल चीज़ होती है ना सर, इतना माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, जो चीज़ें आर्टिफिशियल टाइप की होती है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, बस अर्थ है नेचुरल चीज़ों के। सारा फ़ायदा सोचेंगे तो आपको नहीं होगा। हाँ, जो प्लास्टिक्स की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होगी, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको, क्या सर? तो ये सब मसला हो जाता है। इससे बड़ा प्लेट बनाने का थोड़ा मुश्किल होगा? नहीं नहीं, मुश्किल मैं बना चुका हूँ, ठीक है ना। 2 महीने के बाद आपको बड़ा प्लेट भी मार्केट में आ जाएगा। वो टेंपर, मतलब टेंपर रहे? एकदम एकदम पूरा टेंपर रहेगा, लेकिन मेरे पास जो बजट था उसी हिसाब से भी हम काम किए हैं। बड़ा प्लेट का पूरा एकदम प्रोजेक्ट मेरा तैयार है, बड़ा थाली ही बनेगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद। पहले 1 महीने के अंदर में स्ट्रॉ पहले हम लॉन्च करते हैं, इसके बाद फट थाली। मतलब मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले 10 वर्षों में प्लास्टिक्स के जो है ना 100 प्रोडक्ट्स को हमको रिप्लेस करना है। अभी एक्सपेंशन का क्या सोचें? एक्सपेंशन का जैसे कि आप जैसे लोग आ रहे हैं, सब लोगों का नंबर हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको करना है, अगर भविष्य में करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक मीटिंग लगाएंगे, ठीक है। उस मीटिंग के अंतर्गत हम लोग बैठ के डील कर लेंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं कर पाऊँगा, सारे लोग एक ही साथ शुरू करेंगे कमिंग सीजन में। 1-2 महीना में थोड़ा हम मेंटली तौर पर और भी थोड़ा फ्री हो लेते हैं, बैठ के हम लोग एक ही बार बुलाएंगे सब लोगों को, जो भी लोग होंगे बिहार से या बिहार के बाहर के, एक ही बार बैठ के हम लोग इसको ओके कर लेंगे। यही हमारी प्लानिंग,
क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं आप जैसे जैसे जो है ना, लोग लगभग 10-15 लोग और जुड़े हैं। मान लीजिए कुछ भी नहीं, कम से कम ये चलेगा, एक चीज़ भी अगर चल जाता है होटल में सर, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें चलती है, स्वीट से लेकर चौमी से लेकर, मतलब मुझे लगता है कि 50% का जो मामला होता है होटल से में, कम से कम ये चलेगी। बस नहीं पूरी चीज़ें, नहीं नहीं 100 चीज़ें कि मैं एक ही चीज़ की अगर बात करता हूँ, और लोग मतलब इसे तो मेरी कंपनी का नाम ओजैर मैन्युफैक्चरर मैंने दिया है, और जमाना ये सुनकर के है हक्का बक्का लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका, ये स्लोगन जो है बेहतर है, मकई का छिलका कहे पुकार प्लास्टिक मुक्त हो संसार, तो हमारी कोशिश रही है या है भी कि कुछ इनोवेटिव किया जाए। अच्छा, इसको मतलब स्टोर ज़्यादा दिन तक करने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बताया ना बस इतना कि इसका स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राई प्लेस। हाँ, ड्राई प्लेस आप एज शेड ऐसा डाल दीजिए, क्योंकि देखिए ड्राई प्लेस शेड तो कहीं पे भी, तो प्लास्टिक भी, अगर हम लोग प्लास्टिक का बिजनेस भी करते हैं तो शेड हमारे साथ ज़रूरी हो जाता है, कहीं भी कोई भी चीज़ रखें स्टोर तो अच्छा से रखना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, लेकिन नेचुरल चीज़ है, इस बात का ख्याल रखें। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ख़राब हो जाएगा, मैं बताया ना कि 5 साल का प्रोडक्ट मैं रखा हुआ हूँ, तो 5 साल का वो लीफ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, और तभी हम कॉन्फिडेंट हुए, नहीं तो हम छोड़ देते, ये काम ही हम नहीं करते। लिहाज से सोचना पड़ता है, और मतलब 100% नॉन टैक्सिक जो है गम यूज़ करना है, कि कोई भी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे, कोई मैटर नहीं है। अदना से अभी मार्केट में आप जाएंगे तो एक कटोरी की जो कीमत है अभी, गन्ना की खोई से जो बनती है, 3.25 रुपया है, 3 रुपया एक कटोरी की कीमत, इसकी प्राइस 3.25 रुपया है गन्ना की खोई का। तो उसका मशीन का प्राइस भी ज़्यादा है ना, गन्ना की खोई का, बिल्कुल उसका ज़्यादा होना ही है। और आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन आप क्यों, मैं हाइड्रोलिक मशीन भी आपने क्यों नहीं बैठाया, सोच सकते हैं, जानते हैं ऐसा क्यों, इसके पीछे कई कारण है। आप आए तो आपको भी देख के लगा होगा कि यार इसमें कुछ खर्चा ही नहीं, तो यही चीज़ सबके दिल में डालना है, जिसके लिए पूरा हाय तौबा मचाना है, पूरी दुनिया कोई इधर से उधर करने की बात हो रही है, सिंपल है। मतलब मेरा मानना यह है कि सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और मशीनें क्या है, मशीनें की तो कीमती जाहिर सी बात है, जितना दूर जाइएगा मशीनें कीमती बढ़ती हुई चली जाएगी। ये बताइए सर, जो कप वाली भी डाई है, 50 ml वाली कप भी हम बनाते हैं इसका? हाँ, लेकिन अभी कप अभी हम लॉन्च नहीं किए, समझ गए ना। अच्छा। बोला कि पूरा मेरा पूरा प्लान तैयार है, समझ गए ना, लेकिन अब हमको वर्कआउट कीजिए कि हम लोग भी इसमें ज्वाइन करें। बिल्कुल, आप 1 महीना और रुक जाइए, ठीक है, जुड़े हैं 1 महीना रुक जाइए, और इसको 1 महीने के बाद एक मीटिंग लगा लेते हैं हम लोग, जो भी लोग जुड़े हैं हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग टेबल टॉक कर लेंगे, जो भी लोग होंगे, कौन किस जोन में रहेंगे, कहाँ पे कौन लोग रहेंगे, कि एक ही जगह पे 2-4 लोग होंगे तो ठीक नहीं रहेगा, चलेगा सर। इसलिए रॉ मटेरियल की जो को लेकर के इसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट, क्योंकि अभी जो मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह जो खुल रहा है तो उसको लेकर मक्के की खेती भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और अंडा वाली मुर्गी को लेकर मक्के की खेती बढ़ रही है। मक्का का रेट इस पर 2000 क्विंटल गया है, मतलब मक्का का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जिसका डिमांड ज़्यादा हो किसान उसी की खेती करेगा, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहे, किसान के लिए जीरो है। जीरो भाई, कोई मतलब मैं तो जाता हूँ तो बोलते हैं कि आज ही ले जाइए, आप इसको लोग उठा के गाड़ी पर लोड करता हूँ। ये तो हमारे तरफ क्या होता है, ससुराल की तरफ, हमारे तरफ तो धान की खेती होता है, ससुराल की तरफ ये होता है ज़्यादा तो आग लगा दो। हाँ, वो पोल्यूशन का भी कारण एक बन जाता है, वो तो पोल्यूशन होता है, लेकिन क्या नहीं होता, लेकिन दिमाग में सोचा है कि इससे खाद बन जाएगा अपना, कितना कितना ढोते रहेंगे, क्या करेंगे, रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाएगा उस एरिया में, हम लोग का बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ प्लस पॉइंट एक ऑल इंडिया लेवल पे इसका रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, सही बात। मतलब मकई तो हर जहाँ पे पोल्ट्री फार्म है वहाँ मकई खेती होगी, पोल्ट्री फार्म नहीं होने के बाद भी तो कुरकुरे फुरकुरे क्या क्या यूज होता है ना मकई, हाँ, कुरकुरे है, पॉपकॉर्न वगैरह है, वो सब में तो यूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि बस गांव में मिलेगा, शहर में भी मिल सकता है, ठीक है ना। ये हम लोग तो ये प्लेट में कहीं यूज कर सकते हैं इसको, जो है ना, इसका एक एक पार्ट जो है पर जो है ना मेरा काम है, इसका हर एक पार्ट से अलग अलग चीज़ें जो है बनने वाली है, वही ना, हीटिंग मशीन में डाल के हीट करके प्लेट व्लेट में, प्लेट के नीचे बेस बनाने के लिए काम, बेस के लिए इसका काम आएगा, स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए। दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
बस जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल रहेगा, टेबल पे आपके साथ बैठे एकदम बैठेंगे हम लोग और इसको लेकर के आगे बढ़ाना है भाई। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है भाई, भाई मेरे, और बिहार की चीज़ है और हम लोग को ही मेहनत करके। फिर प्राइस कितना कितना पड़ता है ये सर? 20,000 के आसपास की मशीन आ जाएगी। मैनुअल है पूरा? हाँ पूरा मैनुअल। हाइड्रोलिक में तो रहेगा, तो एक बार बटन दबाइए आपने आके प्रेस करेगा फिर कट विस्क निकाल देगा प्रोडक्ट। बिजली का खपत एकदम जीरो है समझिए इसके लिए। हाइड्रोलिक रहेगी तो बिजली खपत थोड़ी बढ़ेगी। अभी तो बस हीटिंग पर्पस के लिए। हाँ बस बस बस। अच्छा तो वो जब हाइड्रोलिक रहेगा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगा। प्रेस भी ज़्यादा प्रेशर से करेगा ना। जैसे एक ये प्लेट है ना इसमें, उसमें एक बार में 5-6 प्लेट 10 पीस भी बना सकते हैं, भी हो सकता है। लेकिन वो सब फ्री होना तो बात की बात है। चलिए ठीक है सर, वही सब तो देखिए लोग बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जल्दी से जल्दी इसको हम लोग रख लेंगे। रख लीजिए ना, कोई बात नहीं। आप इतने दूर से भाई आए हैं, आपका तो इतना हक तो बनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लोग आए हैं बॉर्डर पे है कि नेपाल से जुड़े हैं कि नेपाल यही यही पढ़ के हम लोग आपका ये इंटरव्यू पढ़ के हम लोग आए हैं। अरे क्या बात है। इस पे आपका पंचायत का नाम शायद था, ये नहीं इसी टाइप का था, इसी टाइप का था शायद, उधर होगा पंचायत का नाम था, तो उससे हम लोग को पता करके आए। हाँ अभी तो वही है चित्रौली पंचायत, चित्रौली पंचायत लिखा होता उस पर पढ़ के हम लोग आए। हाँ ना मनियाड़ी के मुरादपुर के रहने वाले। कॉन्टैक्ट नंबर मिला नहीं ना यूट्यूब पे, आपका बस हम सिर्फ ईमेल आईडी हम डाले हुए हैं। हाँ बस ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हाँ, तो ईमेल आईडी पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी कॉन्टैक्ट करता है ईमेल आईडी हम दे देते हैं। हम लोग शॉर्ट नोटिस पे हम लोग पता नहीं ईमेल का रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो चलो पता करते करते जाए। नहीं कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना जान से नहीं देते हैं कि अननेसेसरी भी लोग जो है ना कॉल करते हैं। चलिए हम लोग अब एक टीम बना लेंगे और काम को अंजाम देंगे। अच्छा इसका तो ग्लास के लिए बोल रहे थे। हाँ तो उसमें 50 ग्राम 50 ml का 50 ml की कप। हाँ तो टी के लिए। हाँ वो चाय वाली वो बना चुका हूँ मैं, तो उसमें फिर रखने से गलने लगे एकदम एकदम उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि वो जो मेरा जो वर्क है उसके लिए एकदम टेंशन। मैं कप बना चुका हूँ लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा एक दो मशीन और हमको बैठाएंगे हम, उसको लेकर फिर अलग सेटअप हमको करना पड़ेगा। वो जो हम लोग चाय पीते हैं ना 2-5 रुपए का। हाँ 50 ml वाली 50 ml 60 ml का होता है।